आदिवासी समाज के संघर्षशील व्यक्ति इस मंच पर बैठे हुए हैं जो आपको दिशा निर्देश देने के लिए यहाँ आए हैं। आप ये मत समझिएगा कि ये साधन कार्यक्रम है जिससे यहाँ से समाज को एक दिशा निर्देश मिलने वाला है। सभी के विचार जो संघर्षशील व्यक्ति यहाँ आपको जो दिख रहे हैं सभी संघर्ष करके एक स्थान कायम किए हैं, इसलिए उनके लिए जोरदार ताली से सभी स्वागत कीजिए, क्योंकि बिना संघर्ष का कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है और बिना कोशिश किए हुए कुछ मिलने वाला नहीं है। ये इसके लिए अशोक आजाद जी आज पूरे भारत चंद्रवंशी क्षत्रिय महासभा जो एक भारत वर्ष का महासभा है उसको एकजुट करने का हिम्मत एकजुट करने की साहस बहुत बड़ी बात है। आज हर जगह जिस तरह से ये कार्यक्रम कर रहे हैं ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा मैसेज जा रहा है। जो एक मैसेज गया था आप जान लीजिए एक मैसेज क्या गया था, चंद्रवंशी समाज के लिए बहुत बुरा मैसेज गया था कि चंद्रवंशी समाज टुकड़ों में बट गया है। लेकिन आज अशोक आजाद जी ने जो काम किया है ये धन्यवाद के पात्र है, इन्हें मैं पूरा धन्यवाद देता हूँ। अशोक आजाद जी जिस तरह से आज इस कार्यक्रम को अपने तन मन धन से लगा करके कर रहे हैं और चंद्रवंशी समाज का एक मैसेज जो गया था खराब मैसेज आज वो मैसेज फिर जाने वाला है कि चंद्रवंशी समाज को अशोक आजाद जी ने करने का प्रयास किया और ये लगातार भाइयों बहनों हमारा इतिहास उस समय का नहीं है जो हम जानते हैं, हमारा इतिहास उस समय का नहीं है जिस समय कृष्ण ने युद्ध क्षेत्र में अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। हमारा इतिहास उस समय का नहीं है जिस समय द्रौपदी ने दुर्योधन की बेइज्जती की। हमारा इतिहास किस समय का है सो जान ले, हमारा इतिहास उस समय का है जिस समय राजा भरत हुए थे और राजा भरत एक राजा थे महाराजा थे और उनके इतने पराक्रमी महाराजा थे कि उनके नाम पर भारतवर्ष का नाम है भारतवर्ष। आप साधारण गौरव की बात है, ये साधारण गौरव की बात नहीं है कि आज आपके चंद्रवंशी समाज के नाम का एक राजा भरत के नाम पर इस देश की समाज का नाम है। हम आप सोचिए कितने ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबू जी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ, अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ, हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।